चलिए आज एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलते हैं, रजत से, जिनकी ऑल इंडिया 373 रैंक है और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। तो रजत, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम रजत कुमार महाराणा। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 373 इन निमसेट 2021 एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो रजत जो है, इन्होंने बीएससी फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है और ऑनलाइन घर पे रह के पढ़ाई की। तो रजत, आप, मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हर बच्चा इन इंटरव्यू को देख के कहीं ना कहीं, जैसे हो सकता है आपने भी लास्ट ईयर किसी बच्चे का इंटरव्यू देखा, और ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं बच्चों को कनेक्ट करते हैं और हर बच्चे का एक्सपीरियंस, मैं तो एक जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ पर हर बच्चे का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो आपकी सक्सेस जर्नी क्या है ये मैं चाहूंगा आप बताओ। मतलब आपने कब निमसेट के लिए सोचा, फिर कैसे एक्शन लिया, फिर आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की, तो आपके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई या क्या आपकी वीकनेस थी, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, वो सारी चीजें मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं अपने जूनियर्स को या जो इस साल निमसेट में अपेयर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको हेल्प करेंगे। तो सर, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं 2018 में मैं 12th के बाद फिर सोचा कि इंजीनियरिंग करता हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस से। फिर जेई में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था। फिर सोचा कि चलो बीएससी मैथमेटिक्स करता हूँ। मतलब उस वक्त बीसीए के बारे में मतलब उतना पता नहीं था। फिर बीएससी मैथमेटिक्स में चला गया। फिर मतलब ये पता नहीं था कि एमसीए भी एनआईटी से होता है। मतलब ये लगता है कि यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, उत्कल यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है, वहां से एमसीए होता है। फिर 2019 जनवरी में फिर मैंने ऐसे रैंडमली सर्च किया था यूट्यूब पे, व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी। देन एक ऑप्शन आया था एमसीए फ्रॉम एनआईटी, निमसेट एक होता है। फिर आपका चैनल आ गया। फिर वो दिखता गया। फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरा मैथ तो ठीक है, स्ट्रांग है, फिर एप्टीट्यूड भी हो जाएगा, तो फिर ट्राई किया जाए। तो फिर 2018 के क्वेश्चन देखा, 2017 के क्वेश्चन देखा, तो चलो ठीक है, आसान है। पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। फिर 2019 का क्वेश्चन जैसे देखा, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब एकदम डाउन हो गया। फिर उसके बाद 2019 या फिर 2020 जनवरी को फिर मैंने पेन ड्राइव ऑर्डर किया, फिर पढ़ना चालू किया। पर उस वक्त क्योंकि कॉलेज था, फिर वहां पर टाइम भी देना जरूरी था। फिर उसके बाद आ गया कोरोना, मतलब कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, फिर वहां पे थोड़ा प्रेशर पड़ा कि थोड़ा मेंटल हेल्थ फिर डाउन हुआ। फिर उसके बाद थोड़े एक दो महीने मतलब आसपास हुए, फिर उसके बाद पढ़ाई फिर से शुरू किया। फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से एक वीक दो वीक, मतलब मैंने एक टाइम टेबल बना दिया था, बस घर में चिपका दिया, बस ऐसे ही करता हूँ। फिर पांच छह महीने में पूरे कोर्स कंप्लीट करता हूँ, फिर टेस्ट सीरीज लेके मॉक देना चालू करता हूँ। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। बस उसके बाद फर्स्ट मॉक में 2020 का था शायद, उसमें आया था 650 मार्क्स। ठीक है, पेंडिंग से आपने सारी चीजें कवर कर ली थी अच्छे से। जी सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद 2019 का पेपर, फिर एक दो मॉक ऐसे में 400 के आसपास ही स्कोर आता था। फिर वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। फिर मैंने ऐसे ही मतलब आपके बातें सुनकर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता रहता था। फिर लास्ट में जो मॉक हुआ था 35-36 के बाद, वहां पे स्कोर अचानक बूस्ट हुआ, मतलब 600-700 आसपास था। फिर लास्ट में 800 भी क्रॉस हुआ। ओके। फिर वहां पे मोटिवेट हुआ कि चलो ठीक है, करता हूँ। ओके जी सर। तो आपका ये बताओ कि ये एक तो अच्छी बात ये है जो मैंने आपकी बात सुनी कि आपने फर्स्ट ईयर से लगभग डिसाइड कर लिया था क्या करना है, और सेकंड ईयर से ऑलमोस्ट आपने पढ़ाई भी चालू कर दी थी, पेन ड्राइव भी स्टार्टिंग में ले ली थी इम्पीटस की, फिर आप टेस्ट सीरीज देने लगे।
तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन नहीं था कि क्या करना है, अच्छी बात ये थी। और दूसरा ये कि बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि एमसीए करने में जो बच्चे जाते हैं 50-60% बच्चे वो होते हैं जो जेई का एग्जाम दिए होते हैं, बाई चांस उनकी रैंक नहीं आती क्योंकि जेई का अलग कॉम्पिटिशन होता है, फिर 3-3 सब्जेक्ट होते हैं, पर उसके बाद उनको एक अच्छा रास्ता दिखता है कि एनआईटी से भी एमसीए किया जा सकता है, जो आपने किया। तो आपने समय रहते हुए कम से कम एक्शन लिया, देखो आज उसका ये फायदा है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा। जी सर बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताओ कि ड्यूरिंग मतलब आपका स्कोर कितना था पेपर्स में, किस सेक्शन पे आपने कितना कितना वर्क किया। अक्सर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर जो आप इंटरव्यू लेते हैं उसमें स्कोर एक बार पूछ लिया करिए। सर मेरा मतलब क्वेश्चन कैंसिल होने से पहले 564 था। उसमें 38 मैथ किए थे, 33 राइट हुए थे, फिर 5 गलत हुए थे। ओके। फिर रीजनिंग में 36 किए थे, उसमें 32 ठीक थे और 4 गलत थे। ओके। कंप्यूटर में शायद 4 किए थे, 3 ठीक थे और 1 गलत थे, बस इतना ही। और इंग्लिश नहीं किया था। फिर कैंसिलेशन के बाद क्या हुआ, मतलब वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैंसिलेशन के बाद सबको एक ही लेवल पे मार्क्स मिल गए, तो आप बिना कैंसिलेशन के मार्क्स मांग सकते हो। अच्छा रजत आप एक बार बताओ, क्योंकि आपने फाइनल के साथ ये रैंक अचीव की, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे। बस खुद पे भरोसा रखो और सार पे बिल्कुल भरोसा रखो, मतलब लास्ट तक मत छोड़ना। फिर सार के मोटिवेशन वाला वीडियो देखते रहो, वो बस खुद पे भरोसा रखो और पढ़ते रहो, बस इतना ही। थैंक यू। यूट्यूब पे भी इम्पीटस का बहुत कंटेंट है, आज जो बच्चे देखे आज हर तरह का बच्चा इम्पीटस से जुड़ा, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स लिया हो, चाहे वो ऑफलाइन कोर्स में भोपाल आता हो, या वो सेल्फ स्टडी कर रहा होता तो भी वो यूट्यूब की कहीं ना कहीं हेल्प लेता है। और इम्पीटस का यही मोटिव है कि हर बच्चा बढ़े और हर बच्चा पढ़े। आप भी बेटा जो बच्चे मिसगाइड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको जरूर गाइड करिए। समय रहते हुए अगर कोई बच्चा एक्शन ले लेता है तो डेफिनेटली अच्छी रैंक लाता है, अच्छा लाइफ में अचीव करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, पर उसको एक सही गाइडेंस मिल जाए तो वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। आपने खुद भी देखा है कि आपने समय रहते हुए एक्शन लिया, आज उसी का रिजल्ट है। तो रजत आपसे बात करके बहुत मजा आया, अब आप ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू रजत।